स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं हायर मैथमेटिक्स पे फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो एक टॉपिक स्टार्ट किया था बीच में ऑपरेशन रिसर्च, जहां पर मैंने सिंप्लेक्स मेथड, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, बी गैम, टू फेज और ये सब टॉपिक मैंने आपके सामने लिए थे, प्लस अब कुछ और टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, जॉब सिक्वेंसिंग, गेम थ्योरी और इन्वेंट्री, क्यूइंग थ्योरी, प्लस अभी जो आगे और भी टॉपिक्स आने वाले हैं, सिमुलेशन है, मोंटे कार्लो सिमुलेशन मेथड है, इन सभी पे मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। और स्टूडेंट यहाँ पे जो IT12 है यहाँ पे जाके पुराने मेरे जो ऑपरेशन रिसर्च के वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, और भी जो इस वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या बीएससी या और भी जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इस नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये प्रॉब्लम किस टाइप की होती है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि जो भी बिजनेस होता है उस बिजनेस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसको हम कैसे मिनिमाइज करें वो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन रिसर्च हम लोग पढ़ते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होती है कि जो बिजनेस होता है उस बिजनेस के अंदर हम कैसे हमारी जो कॉस्ट होती है उसको कम करें और हमारे प्रॉफिट को हम क्या करें यहाँ पे मैक्सिमाइज करें। तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन यहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से पूछे जाते हैं वो हमेशा मिनिमाइजेशन वाले पूछे जाते हैं, पर कभी कभी क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम भी क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसको फिर हमें अलग से करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग लगाना पड़ेगा, राइट। पर अभी जो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा वो मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, जैसे मेरी बात सुनो, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, है ना, मुझे चार मेरी डेस्टिनेशन है और चार जगह से मुझे क्या करना है, सामान मंगवाना है ना, मेरे पास सबका कॉस्ट पता है कि इस यहां से अगर लूंगा तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना लगेगा, वहां से लूंगा तो इतना लगेगा, यहां से लूंगा तो इतना लगेगा, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको पता है, प्लस आपको यह पता है कि कितना क्वांटिटी आपको रिक्वायरमेंट है ना, तो आपको यह मालूम है कि भाई इतनी क्वांटिटी मुझे चाहिए और इतनी सप्लाई मेरे पास अवेलेबल है, तो डिमांड और सप्लाई के साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने को जो मॉडल होता है वो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होता है। तो जिसमें मैं आपके सामने एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा, क्योंकि एग्जांपल से हम बेटर समझ पाएंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्या है। देखो यहाँ पे अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज 3 प्लांट्स, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसके पास कितने प्लांट है, 3 प्लांट है, मान लीजिए O1 प्लांट, O2 प्लांट और O3 प्लांट है, राइट, लोकेटेड एट 3 डिफरेंट सिटीज, ये अलग अलग सिटीज के अंदर है, मान लीजिए अहमदाबाद में, ये हमारे पास जयपुर में, ये हमारे पास दिल्ली में है, राइट, है ना, डिफरेंट सिटीज, ऑल द प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट, सभी सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा अगर कोई बोल्ट बना रहा है, ये भी बोल्ट बना रहा है और ये भी बोल्ट बना रहा है, तीनों सेम प्रोडक्ट की कंपनी है, राइट, है ना, द टोटल सप्लाई पोटेंशियल ऑफ द फर्म इज एब्जॉर्ब्ड बाय द 4 लार्ज कस्टमर, है ना, इनके पास ये चार बड़े बड़े कस्टमर हैं, ये क्या करते हैं, इनकी जितनी भी सप्लाई होती है उसको ये पे क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, मतलब ये खरीद लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व बाय 4 लार्ज कस्टमर, द डिटेल्स आर द गिवन बिलो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये यहाँ पे ओरिजिन है, इसको यहाँ पे अपना माल भेजना है, ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट डिलीवरी कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही, 13 रुपीज मान लीजिए, है ना, यहां से इसकी कॉस्ट आ रही 11 रुपीज, यहां से इसकी कॉस्ट आ रही 15 रुपीज, यहां से इसकी कॉस्ट आ रही 14 रुपीज, तो भैया आपको इसको कितना माल इसको देना चाहिए, देखो नॉर्मली देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 11 रुपीज आ रही है, तो 11 रुपीज इसको मतलब दे देना चाहिए, है ना, पर यहां पे इसकी जो डिमांड है ना वो कितनी डिमांड है, 3 की डिमांड है, जो D2 है उसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, और आप सप्लाई कितनी अवेलेबल है यहां पे, 2 की सप्लाई अवेलेबल है, तो इनके कॉम्बिनेशन के साथ आपको यहां पे करना पड़ेगा, तो ये क्या है हमारे पास, ये डिमांड दे रखी है, यहां पे क्या दे रखी है, आपको डिमांड्स दे रखी है, और यहां पे आपको क्या दे रखी है, सप्लाई दे रखी है, और ये आपको दे रखी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो आपको ये पता लगाना है कि जो इसकी डिमांड है ना उसको कैसे हम यहां पे सेटिस्फाई करें और किधर से हम लोग यहां पे सप्लाई ले, मतलब कहां से हमें मंगवाना, किस ओरिजिन से हमें सामान मंगवाना चाहिए जिससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो, तो वो हम यहां पे स्टडी करते हैं। स्टूडेंट इसका मैथमेटिकल मॉडल भी होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं यहां पे, मान लीजिए ये X11 है, ये X12 है, ये X13 है, ये X14 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये हमारे पास 31 है, ये 32 है, ये 33 है और ये 34 है,
है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल होता है, मैथमेटिकल जो उसको फार्मुलेशन होता है, वो ये होता है हमारे पास। क्या होता है देखो, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मिनिमम जेड। मिनिमम जेड क्या होगा, जो भी ये हमारे पास क्या दे रखी है, ये हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट दे रखी है, और यहाँ पे हमारे पास एक्स वन वन मान लीजिए क्वांटिटी है जिससे हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13x11 प्लस 11x12 प्लस 15, ये से मल्टीप्लाई होगा x13 प्लस 40x14 प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 70x21, फिर ये आएगा हमारे पास 14x122 प्लस नेक्स्ट आएगा हमारे पास 12x23 देन ये आएगा 13x24 नेक्स्ट उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास प्लस 18x31 प्लस नेक्स्ट आएगा 18x32 प्लस नेक्स्ट आएगा 15x33 प्लस ये आएगा 12x34 राइट। ये तो हमारी क्या होगी, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। फिर हमारा जो यहाँ पे कंस्टेंट होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले ये जो कंस्टेंट होगा x13 11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 की जो वैल्यू है किसके बराबर होनी चाहिए, 2 के बराबर होनी चाहिए ना। इसका जो भी जितनी भी हम लोग यहाँ पे सप्लाई करेंगे वो 2 से ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, हमारे पास मजबूरी कि हम 2 से ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्या आएगा देखो यहाँ पे x21 x22 x23 एंड x24 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास x31 प्लस x32 प्लस x33 प्लस x34 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 7 आएगा, है ना। फिर हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या डिमांड है, हम इतनी डिमांड सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो x11 प्लस x21 प्लस x31 इज इक्वल टू कितना आएगा 3, देन हमारे पास नेक्स्ट आएगा x12 प्लस x22 प्लस x32 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी 3 आएगी। देन इसको मल्टीप्लाई यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे x313 प्लस x23 प्लस x33 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी 4, देन x14 प्लस x24 प्लस x34 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 5, और ऑल xij इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो ये हमारा क्या होता है, मैथमेटिकल फार्मुलेशन होता है इसके प्रॉब्लम का, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको फार्मुलेट करते हैं। पर एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है वो हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब ये होता है कि जितनी भी डिमांड आपको दे रखी है, ये आपकी डिमांड है और ये आपकी सप्लाई, हमेशा बराबर होनी चाहिए। देखो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 6 और 2 8, 8 और 7 15, और इधर भी आप ऐड करिए कितना आएगा 3 और 3 6 और 4 10 15, ये हमेशा बराबर होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे, तो जब बराबर नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेंगे, वो जो जब बराबर नहीं होता इसको बोलते हैं अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और जब अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अगर बाई चांस मान लीजिए बाई चांस यहाँ पे आ गया 4, तो भैया एक कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे डमी इंट्रोड्यूस करेंगे एक डेस्टिनेशन, है ना, एक डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके नीचे लिख देंगे 1 ताकि ये 15 हो जाए। अगर बाई चांस यहाँ पे ये तो 5 आ गया, अच्छी बात है चलो, और ये यहाँ आ गया आपके पास 6 बाई चांस, ये तो एक कम इधर पड़ रहा है ना, तो एक सप्लाई कम हो रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डमी ओरिजिन इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, O4 करके उसको डमी लिखेंगे और वहाँ पे सब इसकी कॉस्ट 0 0 लिख के हम करेंगे। तो मैं आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, प्लस यहाँ पे अलग से मेथड भी होता है, 3 टाइप के मेथड है जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, पर जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड देता है। और फिर इसकी ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्टेपिंग स्टोन मेथड और एक होता है हमारे पास मोदी मेथड, या इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन मेथड, तो वो मैं आपके सामने भी डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 से 3 वीडियो होंगे जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ और तीनों मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे, तो क्वेश्चन समझने से पहले पहले मेथड बता देता हूँ मैं। सो मेथड ऑफ फाइंडिंग द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, फर्स्ट मेथड जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकंड मेथड होता है उसको बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड, एंड थर्ड जो मेथड होता है उसको बोलते हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है आपको, यहाँ पे इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना। तो स्टूडेंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में स्टूडेंट को डाउट होता है सर ये क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ी डेफिनेशन के थ्रू समझा देता हूं क्या होता है। देखो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज स्पेशल केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। स्टूडेंट यहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का स्पेशल केस होता है। सो डेफिनेशन ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज द सेम एज इन एलपीपी, है ना। जो एलपीपी मैंने आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताई थी वो की हुई डेफिनेशन, यहां पे कुछ भी चेंज नहीं है। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देयर आर ओनली m प्लस n माइनस 1
बेसिक वेरिएबल आउट ऑफ mn. देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कितने वेरिएबल हो रहे हैं टोटल. ये 3x4 की मैट्रिक्स है ना, 3x4 आ रहा है, तो लगभग यहाँ पे कितना आएगा, 12 वेरिएबल्स आएंगे. दिख रहा है mn, है ना, 3x4. अब यहाँ बोल रहा है आउट ऑफ दिस देर आर ओनली m प्लस n माइनस बेसिक वेरिएबल आउट ऑफ mn. तो देखो m प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे m जो है वो क्या है, नंबर ऑफ रोज, है ना, नंबर ऑफ रोज ले लीजिए हमारे पास कितनी है, 3, है ना, और n जो होता है उसको कॉलम ले लीजिए आप, कॉलम कितने आ रहे, 4. तो यहाँ पे जो अलोकेशन आएंगे, मतलब जो बेसिक वेरिएबल आएंगे वो कितना आएगा, m प्लस n माइनस 1 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6 आना चाहिए. और मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, इसके कॉर्नर्स को गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉर्नर्स को काउंट करिए. अगर इतने नंबर ऑफ अलोकेशन आ रहे हैं तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा. देयरफॉर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ एटमोस्ट एम प्लस एन माइनस 1, एम प्लस एन माइनस 1 पॉजिटिव वेरिएबल, अदर्स बींग 0. तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एलोकेशन क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, तो वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ. तो ये बेसिक फिजिबल जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है वो वही डेफिनेशन जो होती है जो एलपीपी में होती है. अब मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ कि इसको फर्स्ट मेथड से, इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इस मेथड से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर नेक्स्ट हम दूसरे लिस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से करके बताऊंगा. तो अभी मैं इन दोनों मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा. इसमें देखिए आप इस क्वेश्चन को हम लिस्ट कॉस्ट मेथड से कैसे करेंगे. पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम होनी चाहिए ये बैलेंस्ड होनी चाहिए. तो आप चेक कर लीजिए इसको, एड करने पर कितना आ रहा है, तो 18, 9, 27 और 7, 34. इसको भी चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, 5, 8, 13 and 7, 20 and 14. यस, 34. यस, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. अब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या होता है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मतलब मेथड मतलब होता है ये वाला कॉर्नर, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. अब देखो स्टूडेंट समझने की कोशिश करना, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी सब क्वेश्चन में यही चलने वाला है. इस कॉर्नर में हमें एक अलोकेशन देना है, इस कॉर्नर में हमें अलोकेशन देना है. ये हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है ना, ये हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है, और ये हमारी क्या है, कैपेसिटी है ना. ठीक है, कैपेसिटी का मतलब होता है कि ये हमारे पास क्या है, सप्लाई है, और ये हमारे पास डिमांड है. ये मान लीजिए डिमांड है और ये हमारी क्या है, सप्लाई है ना. तो देखो यहाँ पे इस जो भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जो एलिमेंट है उसको, एलिमेंट को पकड़ लीजिए, उसके इधर और उसके इधर देखिए आप, है ना, उसके एंड पॉइंट इधर देखिए और इधर देखिए, है ना. यहाँ पे डिमांड हो रही 5 की, सप्लाई हो रही 7 की, तो क्या होगी, 5 की डिमांड इसको पूरी हो जाएगी, भाई 7 की सप्लाई है, 5 की डिमांड है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है 7 के साथ ही आ जाए, क्योंकि डिमांड तो 5 की हो रही है ना. तो यहाँ पे इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, है ना, उसको हम उठा के यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इसके पर आ जाएगा, है ना, 17 के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. अब देखो ये डिमांड 5 की खत्म हो गई, तो अब यहाँ क्या बचेगा, जैसे 5 यहाँ चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 माइनस हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो मैं अगली टेबल में लिख लेता हूँ, तो अगली टेबल जो होगी हमारे पास उसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, F1, F2, F3. अब इसकी डिमांड पूरी हो गई, ये 5 खत्म हो गया, तो बचा यहाँ पे कितना है, W2, W3, W4. अब लिख दीजिए यहाँ पे कितना रहा है, 30, 38, 50, 40, 70, then 10, 60 and 20. चूंकि ये यहाँ पे देखो यहाँ से 5 गया, तो 5 यहाँ से भी क्या होगा, माइनस होगा, और 5 यहाँ से माइनस होने पर यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना. 5 यहाँ से हटा है क्योंकि 5 की डिमांड इसने पूरी करी है, तो 5 यहाँ से कम होगा तो बचेगा कितना यहाँ पे, 2. तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2, 9 and 18, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8, 7 and 14. क्लियर है. अब वापस इस कॉर्नर को पकड़ लीजिए, अगेन देखिए यहाँ पे ये आपकी डिमांड है और ये आपकी सप्लाई है. अब कितनी सप्लाई बची, 2 की सप्लाई बची. अब 2 की सप्लाई बची तो 2 की सप्लाई यहाँ चली जाएगी, है ना. तो डिमांड कितनी, 8 है, तो 2 की सप्लाई चलेगी, डिमांड 8 थी, तो अब डिमांड कितनी बचेगी हमारे पास, चूंकि 2 की सप्लाई चली गई तो यहां हो जाएगा 0 और यहां बचेगा 6, है ना, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, 2 यहां चला गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 बचेगा. आपने बोलोगे, आप बोलोगे सर आपने यहां 0 कर दिया था, भैया जो दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको 0 करेंगे, इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 2 है, तो 2 को 0 करेंगे और यहां पे 2 इसके ऊपर आ जाएगा. क्लियर है ना. नेक्स्ट जो अगली टेबल होगी उसके अंदर क्या करेंगे, अब ये 0 हो गया तो एफ हट जाएगा, अगले में क्या आएगा यहां पे, F2, F3, है ना. नेक्स्ट ये आएगा आपके पास W2, W3 and W4, है ना. देन यहाँ पे आपके पास बचेगा आप ये 30, 40, 60, 8, 70 and 20, है ना. यहाँ बचेगा आपके पास 9, यहाँ आएगा 8, ये आपके पास सप्लाई है, ये आपके पास डिमांड है. अब यहाँ देखो 2 माइनस हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 माइनस होगा तो यहाँ 6 बचेगा, है ना. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6
7, 14. अब ध्यान रखना हर बार जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस होनी चाहिए. देखो 18 और 9, 27 और 2, 29 इनको भी एड करने पर 29 आ रहा है, मतलब बराबर. अब यहाँ देखो 9 और 18, 27, ये भी 27 आना चाहिए, है ना, मतलब ये सही चल रहा है. क्लियर. अब अगेन इस कॉर्नर पे आ जाइए आप, 8 और 9 यहाँ पे आ रहा, 6 और 9, है ना, दोनों में से मिनिमम कौन है, 6 है. तो यहाँ पे 9 की सप्लाई हो रही, 6 की डिमांड हो रही, तो 6 की डिमांड पूरी हो जाएगी, है ना. तो ये 6 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ 0 बचेगा और यहाँ 6 माइनस होगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3 बचेगा. सो यहाँ पे ये एलोकेशन आएगा 6, है ना, ये 6 यहाँ आ जाएगा, देन ये वाली लाइन हट जाएगी हमारे पास, क्योंकि 0 हो गया. जिधर भी 0 हो जाएगा वो हट जाएगा, F3, देन यहाँ पे W2 हट जाएगा, तो ये आएगा W3 एंड W4, देन यहाँ पे आएगा आपके पास 40, 60, 70 एंड 20, देन यहाँ बचेगा आपके पास 3 एंड 18, और यहाँ आएगा 17 एंड, एक बार चेक कर लीजिए बराबर, 18 और 3, 71, ये 21, ये भी 21, मतलब सही चल रहा है. वापस इस कॉर्नर को पकड़ लीजिए, 3 और 7 कौन है, मिनिमम कौन है, 3 है, तो 3 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा, है ना, और ये 3 यहाँ से माइनस होगा, 3 यहाँ से भी माइनस होगा, यहाँ बचेगा आपके पास 4 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 0, राइट. तो अगेन ये लाइन हट जाएगी पूरी की पूरी. नेक्स्ट हमारे पास ये आएगा F3, और ये आएगा आपके पास यहाँ 70 एंड 20, यहाँ बचा आपके पास 18 और 3 माइनस हुआ, दिया आएगा 4 और 14, है ना, और ये आएगा आपके पास W3 एंड W4, देन लास्ट में ये 4 यहाँ आ जाएगा और ये 17 यहाँ आ जाएगा, है ना, ये 4 यहाँ आ जाएगा और ये 14 यहाँ आ जाएगा. क्लियर है. तो ये इस तरह से एलोकेट करेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, फाइनल टेबल वापस बनाएंगे, उन टेबल में ये सब वैल्यू रखेंगे. तो फाइनल टेबल ये की ही रहेगी यहाँ पे, है ना. उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो भी वैल्यूज आई उन वैल्यू को रख दीजिए आप. तो देखो यहाँ पे मैं इस टेबल को वापस बना नहीं रहा हूँ, इस टेबल को यहीं लिख रहा हूँ, है ना, इसी के अंदर सब वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, है ना. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, F1W2 पे कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, इसको 2 एलोकेट यहाँ कर दीजिए, ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए F2W2 30 पे कितना लोकेशन आ रहा है, 6 आ रहा, लिख दीजिए यहाँ पे. F2W3 कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 3 आ रहा है, इसको भी लिख सकते, लिख लीजिए यहाँ पे. F3W3 यहाँ पे कितना एलोकेशन आएगा, 4, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 14. स्टूडेंट बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, बट ये कंसेप्ट आप समझोगे तो आगे जो मेथड आने वाले वो भी मेथड इजीली समझ में आएंगे आपको, ठीक है. अब आप चेक करना चाहते हैं कि कहीं इशू तो नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो देखो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 5 और 2 कितना आएगा, 7, 6 और 3, 9, 4 और 14, 18, यहाँ देखेंगे तो 5, 6 और 2, 8, 4 और 3, 7, और 14, है ना. अब आप यहाँ देखना चाहते हैं कि जो अलोकेशन है ये M+N-1 नंबर ऑफ अलोकेशन होने चाहिए, है ना. तो यहाँ देखो एलोकेशन कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलोकेशन आ रहे हैं, और यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है, देखिए आप M की वैल्यू हमारे पास है नंबर ऑफ रोज या कॉलम कोई भी ले लीजिए आप, तो ये नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस वन, ये 6 आ रहे हैं, और नंबर ऑफ अलोकेशन भी 6 आ रहे हैं, मतलब यहाँ जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है. अब यहाँ पे निकालना है इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो मैं ऊपर हटा के फिर मैं आपको समझाता हूँ. सो यहाँ पे निकालेंगे हम टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो भी जिसके सामने लिखा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 19 × 5 ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 30 × 2, याद है मैंने बताया था आपको मैथमेटिकल अभी फार्मूलेशन बताया था, 30 × 6, है ना, देन ये आएगा 40 × 3, देन ये आएगा आपके पास 70 × 4, देन ये आएगा आपके पास 20 × 14. क्लियर है ना. इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 85 + 60 + 180 + 120 + 280 + 280. क्लियर है, इनको आप ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. सो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 1015, ठीक है ना. तो ये जो कॉस्ट आई है कौन से मेथड से आई, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मेथड. अब मैं आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन को लीस्ट कॉस्ट मेथड से कैसे करते हैं, प्लस मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को अगर इतना माथाफोड़ी नहीं करना चाहो आप और सिंपल तरीके से करना चाहो तो भी आप कर सकते हो. तो देखो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और लिस्ट कॉस्ट मेथड से 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा. देखो इन दोनों में से मिनिमम कौन आ रहा है, 7 और 5, ये नॉर्थ, यहाँ से हम लोग यहाँ पे एलोकेशन स्टार्ट करेंगे. 5 और 7 में से 5 आ रहा तो 5 यहाँ आ जाएगा. अब 5 यहाँ आ गया तो यहाँ 5 में से 5 गया तो 0, और यहाँ 5 गया तो बचा कितना, 2. अब ये एलोकेशन यहाँ आएगा 2, है ना, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, पर ये 2 यहाँ एलोकेशन हो गया तो यहाँ बचा कितना, 6. अब यहाँ आएंगे हम लोग, है ना, यहाँ से यहाँ आएंगे. अब ये 6 है, ये 6 है और ये 9 है, तो 6 एलोकेशन यहाँ आ जाएगा, ठीक है. अब 6 यहाँ आ गया तो यहाँ से 6 खत्म हो जाएगा. अब बचा कितना, 3, है ना. अब इधर आएंगे हम, 3 एलोकेशन कहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे. अब चूंकि 3 एलोकेशन यहाँ दे दिया तो यहाँ 3 माइनस होगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 4, वो यहाँ आएगा, 4 एलोकेशन यहाँ आएगा.
अब फोर यहाँ आ गया तो फोर यहाँ से माइनस हो जाएगा, है ना, बचेगा कितना 14, और 14 लोकेशन यहाँ आ जाएगा, देखो वही आ रहा है 19 × 5, 30 × 60, 30 × 6, 14 × 3, 17 × 4 एंड 20 × 14, है ना। तो इसी तरीके से इसको हम आराम से कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। ठीक है, मैं फिर से बता दूँ, पाँच ही आएगा, है ना, फिर पाँच के बाद चूंकि पाँच ही आया है ना, दोनों में से मिनिमम ही आएगा, अब पाँच ही आया तो पाँच यहाँ से माइनस होगा, दो बचा दो यहाँ आएगा, अब दो यहाँ आ गया दो यहाँ से माइनस होगा, फिर यहाँ बचा छः यहाँ आएगा, इस छः को इधर से माइनस करेंगे तीन, तीन यहाँ आएगा, मिनिमम तीन बचेगा, तीन यहाँ से माइनस करेंगे चार, चार यहाँ आएगा, माइनस करेंगे 14, इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ जो मैं बताऊँगा आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड से, फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट, अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसी क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ लीस्ट कॉस्ट मेथड या लोएस्ट कॉस्ट मेथड। इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया था नॉर्थ वेस्ट मेथड से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ लीस्ट कॉस्ट मेथड से। वहाँ से हमारे पास जो आंसर आया था शायद 1015 हमारे आंसर आया था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखते हैं इस मेथड से कितनी कॉस्ट आती है। स्टूडेंट, लीस्ट कॉस्ट मेथड का नाम से पता पड़ रहा है कि ये जो टोटल आपके पास अंदर डिलीवरी कॉस्ट दे रखी है इसमें सबसे मिनिमम क्या आ रहा है, देखो ये 8 आ रहा है, दिख रहा है सबसे मिनिमम क्या आ रहा है, ये 8 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, देखो ये हमारा डिमांड है और ये हमारा सप्लाई है ना, तो इन दोनों में से जो मिनिमम, देखो यहाँ पे 8 की डिमांड और 8 की सप्लाई हो रही है, 18 की डिमांड हो रही है, इसको इसको सप्लाई इसको डिमांड ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए आप, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखी कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट, तो ये डिमांड है और ये सप्लाई दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये मिनिमम कॉस्ट है, तो इसको इधर और इधर चेक करिए आप, इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 8 है, तो ये जो 8 है ये यहाँ चला जाएगा, और 8 यहाँ चला गया तो यहाँ बचेगा 0, और यहाँ 8 चला गया तो यहाँ बचेगा हमारे पास 10। क्लियर है, है ना, मिनिमम जो कॉस्ट होगी उस पर हम लोग अलोकेशन देंगे, राइट। अब नेक्स्ट ये 0 हो गया तो इसको हटा दीजिए, ये क्या आएगा F1, F2, F3, है ना, देनी आएगा आपके पास W1, W2, W2 तो हट जाएगा, है ना, W3, W4, जहाँ 0 हो जाएगा वहाँ हम हटा देंगे, नेक्स्ट ये 19, 70, 40, देनी आएगा 50, 40, 70, देनी आएगा आपके पास 10, 60, 20, देन ही आएगा आपके पास 7, 9, ये से माइनस हुआ तो ये बचेगा आपके पास 8 माइनस, यहाँ पे 8 माइनस हुआ तो 8 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 10, बिल्कुल 10 आएगा आपके पास यहाँ पे, और ये आएगा आपके पास 5, 7, 14, आप चेक कर लीजिए दोनों बराबर आना चाहिए, 10 और 9, 19 और 26, और ये भी आपके पास 26 आ रहा, मतलब ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो लिस्ट कॉस्ट कौन सी आ रही है, यहाँ लिस्ट कॉस्ट आ रही है ना, इस लिस्ट कॉस्ट में यहाँ 14 और 7 है तो ऑब्वियसली दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ये 7 यहाँ से हम माइनस करेंगे, है ना, चूंकि देखो ये सप्लाई और डिमांड है ना भाई, 7 की सप्लाई कर सकता है ना, इससे ज़्यादा सप्लाई कर नहीं सकता, 14 में 7 गया तो बचेगा तो यहाँ 7 बचेगा, है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा हमारे पास, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल आएगी वो क्या आएगी, देखिए यहाँ पे हमारा F1 हट गया, अब बचेगा हमारे पास ये F2 और F3, है ना, एंड देन यहाँ से आपके पास आएगा ये W1, W3 एंड W4, इसकी वैल्यू लिख दीजिए आप, ये आएगा 70 एंड 40, ये आएगा आपके पास 40, 70, देन ये आएगा आपके पास 60 एंड 20, देन ये आपके पास बचेगा 9, 10, और ये आएगा आपके पास, ये आएगा 5, 7, और यहाँ से 7 गया तो बचेगा कितना, 7, 7 और 7, 14 और 5, 19, 19 बिल्कुल ठीक आ रहा है, मतलब सही चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट, अब देखिए अब लिस्ट कॉस्ट कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है ना, अब इन दोनों में से देखो दोनों में से जो मिनिमम है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे सप्लाई है और ये हमारा डिमांड है, तो यहाँ पे 10 और 9 है तो ऑब्वियसली 7 और 10 है तो यहाँ 7 चला जाएगा और यहाँ 7 माइनस होगा तो हमारे पास 3 बचेगा। क्लियर है, तो अब ये 7 चला गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये W4 हट जाएगा, अगले में आएगा यहाँ पे, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, नेक्स्ट में हमारे पास आएगा F2 एंड F3, एंड देन यहाँ से हम लिखेंगे, चूंकि ये हट गया तो अब यहाँ आएगा W1 एंड W3, और ये आएगा आपके पास 70, 40, 70, देन आपके पास ये आएगा 5, 7, और ये आएगा आपके पास 9, और यहाँ बचेगा आपके पास 3, 9 और 3, 12, और ये 12 बिल्कुल ठीक है। अब देखो इन दोनों में से दोनों, ये भी 40, ये भी 40, लिस्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो किसी भी कर दीजिए, आप चाहो तो यहाँ पे एलोकेट कर दीजिए, आप चाहो तो यहाँ पे एलोकेट कर दीजिए ना, तो मैं यहाँ पे एलोकेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एलोकेट करता हूँ, तो ये 9 और 7 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन एलोकेट हो जाएगा, 7 एलोकेट हो जाएगा, यहाँ 7 माइनस होगा तो कितना आएगा 2, हम चाहते तो यहाँ पे भी हम एलोकेट कर सकते थे, है ना, पर यहाँ पे भी करोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, उससे भी वही आने वाला है, राइट। तो अब बचेगा नेक्स्ट कितना है यहाँ पे, अगले में ये हमारे पास चूंकि 7 हो गया माइनस, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0, तो ये हमारा 0 हो गया तो यहाँ आएगा हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, इस अगले स्टेप में मैं यही लिख देता हूँ, ये आएगा F2, F3 एंड देन ये आएगा आपके पास W1, ये आएगा आपके पास 70,
40, यहाँ बचा आपके पास 5 और ये बचा 2 और 3, लास्ट में क्या होगा, ये चूंकि ये बचा है तो 2 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ जाएगा, है ना। अगर बाई चांस पिछले क्वेश्चन में रो में बचा था तो वो दोनों ऊपर चले गए थे ना, इसमें इधर बच रहा तो इधर आ जाएगा, है ना। लास्ट में इस टेबल को वापस बना दीजिए आप, है ना। देखो टेबल को क्या बनाएंगे हम, ये आएगा F1, F2, F3, ये आएगा आपके पास W1, W2, W3, W4, है ना। देन यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको कितना आएगा, 19, 30, 50 एंड देन 10, देन ये आएगा 70, 30, 40, 60, देन ये आएगा आपके पास 48, 70 एंड 20, है ना। लास्ट में जो एलोकेशन वो लगा दीजिए, यहाँ पे एलोकेशन आ रहा है 8 का, ये ले लीजिए आप। देन यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये F1W4 पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 का लोकेशन आ रहा है। देन यहाँ देखिए आप F3W4 पे कितना लोकेशन आ रहा है, 7 का लोकेशन आ रहा है। देन F2W3 पे कितना लोकेशन आ रहा है, 7 का आ रहा है। देन यहाँ देखिए F2W1 पे 2 का लोकेशन आ रहा है एंड F3W1 पे कितना लोकेशन आ रहा है, 3 का लोकेशन आ रहा है ना। और लास्ट में यहाँ लिख दीजिए 5, 8, 7, 14 और यहाँ देख लीजिए आप कितना रहेगा, 7, 9 और 18, इसको ऐड करेंगे 7, 7 और 2, 9, 8 और 3, 11 और 7, 18, बिल्कुल ठीक है। 3 और 2, 5, 8, 7, 7 और 7, 14, है ना, बराबर होना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ नंबर ऑफ अलोकेशन देख लीजिए, हमारे पास कितना लोकेशन आना चाहिए, M+N-1 आना चाहिए। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, तो ये आएगा 4+3-1, दैट इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे लोकेशन भी 6 से आ रहा है, 2, 2, 4 और 2, 6, तो यहाँ जो सोल्यूशन आ रहा है क्या आ रहा है, फिजिबल आ रहा है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल दीजिए आप, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो जिसके सामने उसको मल्टीप्लाई कर दी जाइए, तो ये 10 है, तो ये 10 × 7 + 17 × 2 + 40 × 7, जो जिसके सामने उसको मल्टीप्लाई कर दी जाइए, +40 × 3 + 8 × 8 + 20 × 7, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 70 प्लस ये आएगा 140 प्लस 280 प्लस 120 प्लस 64 प्लस 140, है ना। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। सो देखो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 814, है ना। पर आप देख रहे हो जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड था उससे हमारा आंसर आया था 1015 और यहाँ पे आंसर आ रहा 814। तो जो अगर हम देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की कंपेरिजन में 814 कॉस्ट आ रही, तो कितनी कॉस्ट कम आ रही, अगर इसको हम 814 से माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 201 का बेनिफिट हो रहा है, मतलब 201 रुपए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की आ रही है, कम आ रही है एज कम्पेयर टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो देखो अभी नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वो इन दोनों से बेस्ट है, उससे इसका जो आंसर आएगा वो इसी क्वेश्चन को मैं कल में बताने वाला हूँ, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिससे इसकी कॉस्ट 814 से भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और हम वो मेथड यूज करें जिससे कि हमारी कॉस्ट क्या है, मिनिमम आए, तो वो हम यहाँ पे यूज करते थे। यहाँ पे 3 मेथड है, सबसे पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जिसमें क्वेश्चन बता चुका हूँ, उसके बाद लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड वो बता चुका हूँ, अब इसी क्वेश्चन को मैं बताना है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में, सो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके यहां अपलोड करने वाला हूं, और ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है इस पे 3 से 4 वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। एक मैं यहां पे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ली, अब मैं अनबैलेंस भी लेने वाला हूं, फिर मैक्सिमाइजेशन टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो भी मैं आपके सामने लेने वाला हूं, एक ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं अपलोड कर रहा हूं, और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और लास्ट में जो 2 वीडियो आ रहा है ये मेरे यहां पे पुराने जो वीडियोस इनको आप देख सकते हैं, और यहां जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।